Dear student, now second problem of issue of share under subscription and consignment. Under subscription क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंपनी 1,00,000 शेयर इश्यू कर रहा है और कंपनी को 90,000 शेयर पब्लिक मांग रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे मान लीजिए कंपनी 1,00,000 शेयर इश्यू किया पब्लिक में, पब्लिक का डिमांड कितना हुआ, अप्लाई कितना का किया, 90,000, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। और कॉल सीनियर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई शेयर होल्डर्स है जो कि फर्स्ट कॉल का या फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो दिस वन इज कॉल्ड कॉल सीन एरियर, एरियर मैंने पकाया। अब क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, टेबल एज फॉलोस, ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट पब्लिक अप्लाइड ओनली 9,000 शेयर्स, ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स ऑफ फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पास जनरलिटीज। क्वेश्चन को समझिए, एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर इश्यू किया, 10,000 शेयर इश्यू किया, कितना मूल्य है, ₹100 ईच है, टेबल कैसे है, ₹20, ₹20 एप्लीकेशन में है, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, ₹30 अलॉटमेंट में है, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना बचा, 100 का शेयर है, ₹20 एप्लीकेशन मांगा, ₹30 अलॉटमेंट मांगा, तो रेस्ट कितना बचा, बैलेंस ₹50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। बोल रहा पब्लिक लेकिन कितना, लेकिन पब्लिक कितना अप्लाई किया, 9,000 शेयर। देखिए समझिए, ये 9,000 शेयर है पब्लिक अप्लाई करा, कंपनी इशू कितना किया, 10,000, तो ये जो कम हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और 400 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉल सिम एरिया, ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हाँ, तो जनरलिटी क्या होगा, पहला होगा बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए कितना शेयर पब्लिक अप्लाई किया, 9,000 शेयर, पर कंपनी इशू किया था 10,000, लेकिन पब्लिक कितना अप्लाई किया, 9,000, तो 9,000 शेयर का ₹20 एप्लीकेशन है, तो 1,80,000 होगा बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन होगा। दूसरा होगा शेयर एप्लीकेशन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में, तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, अगेन 1,80,000 होगा ना, कैसे हो रहा है, 9,000 × 20 इक्वल टू 1,80,000। थर्ड एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू है कंपनी मांग रहा है, कितना शेयर है, 9,000, अलॉटमेंट का दाम कितना है, ₹30, तो 9,000 × 30 दैट इज 2,70,000 होगा, 2,70,000। फिर से समझिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 9,000 शेयर का ₹30 का होगा, 2,70,000। नेक्स्ट इंट्री होगा बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, देखिए शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगा कंपनी, 9,000 शेयर, ₹30, 2,70,000 मिला बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। उसका कंपनी मांगा, देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही बार मांगा है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल, बैलेंस, तो बैलेंस कंपनी का शेयर कितना दाम था, ₹100, ₹20 एप्लीकेशन में मांगा, ₹30 अलॉटमेंट मांगा, तो बैलेंस कितना बचा, ₹50, तो 9,000 शेयर का 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4,50,000, 4,50,000 होगा। एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। नेक्स्ट सिक्स नंबर एंट्री होगा बैंक अकाउंट या कॉल सीन एरिया। देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है 400 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, तो 400 शेयर का ₹50 करके नहीं मिला, तो 20,000 पे नहीं मिला, ठीक है, तो 4,50,000 आपको मिलना था। देखिए 4,50,000, जिसमें 20,000 कॉल सीन एरिया हो गया, तो आपको मिला कितना, 4,30,000, ओके, क्लियर हुआ। तो देखिए अंडर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल इन एडवांस आपका क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल इन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट क्लास में क्या बताएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ठीक है।